हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक है, या फिर अपने दिल की बात वो कहते नहीं है, तो फिर मैसेजेस के थ्रू जानते हैं कि अगर वो आपसे कहना चाहते हैं तो क्या कह रहे हैं। पार्टी सिचुएशन, प्लॉट, पैशन, बॉटम टेक है, कमिटेड रिलेशनशिप, बहुत खूबसूरत एनर्जी। सो ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ चीज़ें समझ चुके हैं। लाइक ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से या थर्ड पार्टी के बिहेवियर की वजह से ये जैसे आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं कि आप उनके लिए कितना सही थे। किसी को गलत ठहराना इट्स नॉट देश, ये प्रॉब्लम नहीं है। आप उनके लिए कितना सही हो ये बात उनके मन में लाइक क्लियर हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ना एक फीलिंग रखते हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जी है। जैसे ना उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया, आपको प्रायोरिटी नहीं दी। अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनसे गलती हो गई है। ये आपकी अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल की फीलिंग फील करते हैं। लाइक ना अभी बहुत ज़्यादा एक कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, बहुत फ्लर्टिंग की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है। आपके लिए एकदम ज़बरदस्त अट्रैक्शन, पैशन डेवलप हो रहा है, फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ, और आपका फ्लर्ट करना भी उनको बहुत पसंद था। लेकिन वो जिस तरह से आप उनके लिए एनर्जी देते थे, जिस तरह से आप उनके लिए सब कुछ जैसे ना एक फील करता था, मतलब एक स्पेशल फीलिंग था, वो भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें बहुत मिस किए जा रहे हैं। और हालांकि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इनको पास आने का डर है, आपके साथ होने का डर है, तो उसकी वजह से शायद बात नहीं हो पा रही है या साथ आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर दिल से सोचूं, दिल से डिज़ायर करूं, तो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप ज़रूर चाहेंगे। कमिटेड रिलेशनशिप कि जैसे इस रिलेशनशिप में अभी ना कमिटेड रहना चाहते हैं। यू मेक मी फील द थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तो मैंने कहा ना कि ऐसे एनर्जी फील हुई कि जैसे आपने उनको जिस तरह से एहसास करवाया ना हर चीज़ का स्पेशल फीलिंग, वो किसी और से हो ही नहीं पाए। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू हैव टॉट मी। डेफिनेटली आपने जो उनको कुछ समझाया था, सिखाया था, गाइड किया था, अनजाने में सही, अभी ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़रूरी था। सुना होगा तो भी फ़ायदा होगा, तभी भी याद आ रही है। नहीं सुना है तो भी फील हो रहा है कि नहीं, उनसे गलती हो गई कि आपका सुनना चाहिए था। आई वॉन्ट टू मेक अ लव टू यू। बहुत पैशनेट एनर्जी है, अट्रैक्शन भी है, आपसे बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। इनका दिल आप ही के लिए धड़का है, और स्पेशली ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए एक क्लियर मैसेज है। जैसे मैंने उनकी थॉट प्रोसेस क्लियर हो चुकी है। आई डू टॉक अबाउट यू, आपके बारे में ये बात तो करते हैं, ज़रूर बात करते हैं। आई कुड नेवर फॉरगेट यू, आपको भूलने की बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं सकता। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। सो आपके दोनों के बीच में एक अलग ही लेवल का बॉन्ड है, कनेक्टिंग लाइक ना एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है, कनेक्शन होता है। हो सकता है कि ये कनेक्शन सोल मेट हो और ट्विन फ्लेम हो। तो इसके लिए वो अभी ना समझने की कोशिश करें कि हाँ यार, इतना सब कुछ होने के बाद और इतना कनेक्ट फील होता है और वो सब चीज़ें, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन। आई वॉन्ट टू होल्ड यू। बहुत पैशन फीलिंग है, मतलब आपके लिए जो एक अट्रैक्शन है या मैग्नेटिक पुल है वो बहुत ज़्यादा है। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू। मैंने शाम की रिंग में कहा था ना
कि ये आपके सपने देखते हैं, देखते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू मंडे। शादी की इच्छा बहुत ज़्यादा है, कमिटमेंट मैरिज वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है। यू आर परफेक्ट फॉर मी। देखा ना कि दूसरा गलत है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप उनके लिए कितना सही हो, परफेक्ट हो, ये एहसास बहुत ज़्यादा क्लियर है अभी, बहुत ज़्यादा। सो अगर शादी नहीं हुई है तो ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं, वो कनेक्टिंग एनर्जी की बात हो रही है कि मैरिज की इच्छा बहुत ज़्यादा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।